फरमाया गया और तुम्हें एक ही जोड़े से पैदा किया।
Porque o pessoal da vida vai dar uma olhada, diz que não tem que ser formado pessoal, não tem que poder, não tem que ser. Arrumado, né? Tô me querendo, já dá uma política de fazer um leito, né? Não, 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 आपस में दरखास्त करे और उस समय दरखास्त
का मौसम हो रहा है उसी में बदल गया। इस रेखा के बारे में हमने अपने सदन आश्रम में तीसरी बात जो फरमाई है वो है कि आज को हाजिर देगा इस रेखा का ऐलान आम किया करो ये छुप कर करने वाली बात इसका ऐलान आम होना है और अरबों के हाल वाइट हाउस ऐलान आम था कि जिसकी भी मस्जिद के नका होता था इस घर में उसके बाहर दस लाख का जैसा लगाते थे ताकि पता चले जा सकता आपको मालूम है ना जब इस हकीकत नहीं आया तो मस्जिदों में क्या होता था नकाबी के लिए नकारा बात होती थी ना रमजान में उसको डरा लगाते थे फिर क्या और गर्म हो गया है नकार का हो गया और वो के हाथी के नाम के आम का ठीक था माया वहां पर लगाते डरा जाओ और पता चले जाता हो क्यों ये आप दाहे करने की चीज है तो बात करने की चीज है तू क्या फरमाया बच्चा तू मसाले जब हो सके तो मस्तों में बता धर्म नहीं है तो ठीक है जब माहौल ऐसा मिलता है उस पर तो ये दुआ करनी है बस बता रहे थे बात माहौल में बैठ करना है तो हो जाए तो राज का खास का जरूरत है ताकि कि हमारे को खर्च रहे ना बहुत से जो हमने जमा कर रखे हैं इस माह को सारे बढ़ जाए इस मामले को बड़ा आसान रखा है दीन ने जो हमारे की जरूरत है पूरे मामले की जरूरत है इसलिए वो चीजें रखी है तो हर कोई आसानी से कर सकते आप इसमें दिक्कत ना आए रुकावट ना आए क्योंकि जाए तरीके में रुकावट आएगी तो हराम तरीकों की तरफ लोग जाएंगे ना जाएंगे इसकी इतना विशेषता रखा है कि तीन चीजें हैं तो हो जाए तो ना हो जाए जब पहले कहा तो क्या जाने आप करो लेकिन कहा है अगर दो आदमी मौजूद हो गवाह और उनकी गवाही में इजाबो कबूल हो जाए तो ना हो ईजाब कौन क्या है ध्यान दीजिए ईजाब है औरत की तरफ जब तक बच्ची से उसका वली इजाजत ना दे और बच्ची रजामंद ना हो तो निकाह नहीं होता बच्ची का ऐलान हो गया तो जबरदस्त इसलिए उसे इजाजत वो इजाजत उसका बली लाकर निकाह आपको स्पुर्द करता निकाह का बच्चे के सामने पेश करता वो कबूल कर ले आपको उसकी तरफ से आती है बच्चा कबूल करता आप उसकी तरफ से इसलिए लाजिम है उसकी कॉन्सेंट लाजिम है उसकी रजा लाजिम है जबरदस्ती नहीं किया दूसरी चीज यह है कि हक है यह औरत का हक और खुशी से देना चाहो इसकी कोई लिमिट नहीं हर सके अपने हालात के मुताबिक इसे किया जा सकता है खुशी से ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए उसमें दो चीजों का ख्याल है जो अगर ध्यान हो तो इसका मौका दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए एक तो बच्चे की हैसियत वो आसानी से ताकत या फिर लड़की वालों के खानदान का रवाज लेकिन मुझे बांधना नहीं अदा करना है ये बांधने से भी नहीं होता अदा करने लेकिन वह उसी का अदा हो गया लेकिन अगर ऐसा नहीं है देना चाहते हैं आप तो वही चाहिए लेकर अदा और वो अदा करना है हमारे यहां वो माफी का कब्र भी है माफ करवा देंगे तो कह कार माफ हो ये जायज नहीं जबरदस्ती ही आप माफ करा रहे कुरान शरीफ में जो जिक्र आया ना माफी का वो तो ये आया है उसे अदा करो वो अपनी खुशी से तुम्हें माफ करता है जो कर रहे हो तो ये जिक्र है एक तो उसका हक है वो अपनी खुशी से माफ कर सकती है जबरदस्ती माफी कर ऐसे सिर्फ मानने से भी नहीं होता मान किया पहले अगर अदा किया तो क्यामत के दिन बतौर कर्ज वसूल करेंगे और कर्ज क्या
किसी को माफ नहीं। क्या बताता है कि अपने पड़ोस को सुनाया शहीद के सारे माँ बाप ने क्या कर माफ नहीं। ऐसी भूलता है इंसान में कि ये दूसरे से कर्ज लेना पड़ता है तो बढ़ जाती है इंसान को। अगर उसकी अदायगी में हो तो सारे का सारा मामला छोड़ जाए, किसी की मदद करने का मामला नहीं रहता। इसलिए इतनी ताकीद किया कि हर दिन होगा किसी को जो भी लिया होगा पूरी जिंदगी की उस वक्त नियत होनी चाहिए तो उनका होता है और अल्लाह का नहीं होता तो फिर मौजूदा के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुर्तद के मौजूदा के लिए भी नकाब मौजूद था। अब वो क्या होगा जो है कह रहा था वो मुर्तद मौजूदा के लिए नकाब था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद उसे कायम करा। अगर नियत होगी पूरी जिंदगी की होगी तो रखा होगा अगर रखा नहीं। ये तीन चीजें हैं, तीन रिक्वायरमेंट है, हो गया तो रखा होगा। इतना सारा देखा आपको मालूम है इंसान जो के इंसानों के साथ ताल्लुकात होते हैं आपस में अंदर रिश्तेदारियां हैं दोस्तियां तो जब भी इंसान का तो मौका खुशी का आता है तो इंसान कहता है मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार खुशी का जिन्हें हम रसूमात हैं, कुछ रस्में होती हैं जिनके लिए खुशीदा इजाद किया जाता है और गमी का भी इजाद किया जाता है। ये शुरू ही से राय है। आप पढ़ते नहीं है के दौर में भी थी। आपने उनमें से जो दीन से मुआफ़त रखती थी उन्हें जारी रखा और जो उसके खिलाफ थी उनको नेगेट किया होगा। वहां में हमें देखना होगा कि कौन कौन सी रस्म है जिसे नबी को सलाह सुनने कौन किया है, रवाज किया है, साहबा ने क्या किया है और कौन सी है तो हमने खुद इख्तियार की होगी। उनका भी फायदा लेना इस खुशी के मौके में के लिए नबी को सलाह सुनने दाल का वाक्या वो है दाल के बरीमा और उसके लिए बड़ी ताकि क्या बरीमा कबूल करो पाए की बकरी का। ये असल में दावत है लड़की और लड़के में मुआफ़त पैदा होने की खुशी। उनके अंदर मुआफ़त पैदा हो गई उस खुशी में दाल और अगले के कारण हो हिम्मत नहीं है अपना गरिमा करने की तो उसका दोस्त उसका रिश्तेदारी खुशी को यह भी नहीं कर सकते अपने अपने घरों से खाना लाओ उसके घर में बिल्कुल साफ रहता भी उनका हिस्सा भी होगा उनको भी उठाना चाहिए लेकिन जिसे दावत मिले जरूर लेकिन इसके अलावा जो हम दाव के बाकी करते हैं उनका नहीं भी कहीं नहीं है उनकी कहीं जाते उनका भी ज्यादा लेंगे इनमें हमने जो रस्में अदा जारी कर रखी है सबसे पहले तो मंगली की है उसे भी शादी के बराबर बना दी और ये सारी रस्में अमीर लोग इजाद करते हैं पैसा छुपा हुआ नहीं रहता अपना इजाद रहता है लोगों को बताना होता है मेरे पास कितना है और अपना वकार कायम कर रहा है ये वो रस्में ढूंढते रहते हैं कौन सा वफा हो बच्ची का नाम लिखे दो रस्म भी किसी माशरे के अंदर आ जाए वो फिर सब की जरूरत पड़ जाती वो अमीरों का नहीं रहती गरीब भी उसके लिए भरपूर होते हैं वो भी करें
सर और भी देख रहे हैं मैं नदिया को चला सुनने भी कोई नकार दिए हैं कि नहीं है मदीने में किया ना वो तो कहीं से अपना आना भी पहले था ले ऐसे नहीं ये सुनना चीते कि तू आना भी पहले था चीते नहीं अभी तो बाबू कहीं से तो लो अच्छे क्या जानी हुई ये दो किसी आपने किया है वो अदर अली के बली की ऐसे ऐसे बात माँ के बात के अगर कहीं के उनके आ रहे हैं उनके कबीर कौन थे उनके वली कौन थे नबी और बच्चे के वली की ये जिम्मेदारी है कि उनके लिए लड़े बंदोबस्त करेगा जो असल कबीर को सफारत उसके और सारी तादाद उसके इसलिए आपने अकीम के बदी हैसियत से साबित हो मुझे पूछा है क्या भाई तुमने निकाह करना है आपको मालूम है जब उन्होंने आपका रिश्ता मांगा बेटा था तो तुम और दर्द तो बहुत सदी में मांगो आपका निकाह आपका रिश्ता मांगा मैं बात ना से निकाह करना चाहता हूँ मैं नहीं मैं वो घर गए फातिमा के सामने हजरत अली की कुटिया बयान की उनका जिक्र किया और उनका ताकि और बच्ची की इजाजत हो गया उन्होंने इजाजत दी तो आकर आप ही के हाथ में इजाजत देकर आप काफी वक्त से उन्होंने उनके अपने बदी होने से सारा भी करेंगे उन्हें ही निजरा है इतनी महंगाई है उसमें से आज जो है वो अपना है कि तौर पर कहिए कि उसमें से कुछ खुशबू लेकर फातिमा को फिर बाकी रकम फातिमा को दिया बाकी आ रही दिया था आपको इसने अब अपनी पुरानी है लहरा है ऐसे नहीं है इसलिए भाई ये दवा पार कर देता हूं और उन्हीं की रकम से है भी कोई नहीं था एक अंसारी साथी से एक कमरा लेकर एक करके दिया है अपना कोई घर नहीं था बाद में पढ़ा है तो वो भी आप तो वहां एक दो कुछ भी किया है तो लड़के के वाली की हैसियत से किया लड़के के वाली और बात इसके नहीं किया तो कुछ अलग अलग जिसकी वजह से आज माशरे के अंदर कितनी बुराई फैल रही है कितना मुश्किल है गिरफ्तारी आसान है खुद अपने ऊपर ये सारा बोझ ज्यादा हुआ है इसका दीन से कोई काम जब दहेज देना है तो पहले की बरात भी ले जानी पड़ेगी कि नहीं इसलिए और वाले गरीब की हिफाजत ने साल हफा की दस्ता भी चाहिए इसका क्या कहना चाहिए क्योंकि हम हिफाजत उनके प्रसाद इधर आ गया ना एक रातों इधर आया साढ़े पांच पर जैसी बेटियां सी जान की तो उनके पूरे होंगे उनके हम इसीलिए नहीं जाए पढ़ते थे तो वो समारोह का कर रहा है और इबादत से रहा है इसलिए साथ में जाने पढ़ते किससे रवाज पड़ा था और ऐसा दाखिल सारा मरहूम दाखिल का करते थे अरबी में कोई ऐसा दफन नहीं है जिसके बारे में पढ़ा सुनता भी नहीं है लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा आई नहीं बहुत आई नहीं वो सब
جب دیکھتا جائیں گے تو کھانا بھی سمانا پڑے گا کہ نہیں, اس سے درمیان کی معلوم کہ ہاں یہ کھانے کا رہا ہے کرنا رہتی والوں کے ہاں کسی کتاب کا کوئی سمجھ نہیں بنتا بھی نہیں. اب دیکھیے عام طور پر نکاح کہاں ہوتا ہے بھائی, جب مسجد میں نہ ہو لڑکی والوں کیا ہوتا ہے کہ نہیں, اور لڑکی والوں کیا نکاح کرتا ہے سہاگ کون مانتا ہے وہ کیوں بھائی وہ کیوں نہ بیٹھے ہو, اور جس نے لاکھ دو لاکھ کے موٹ کو پناہ بنائے تو اسے سہارے لکھ لیا جاتا وہ بڑے مشکل ساتھ کہاں بیٹھے ہو جو بندر ہو گیا ہے تو شرم نہیں ہوگی, اس میں کوئی ہے کوئی گوری نہیں, اس لیے وہاں بھی خوشی کرے تو لڑکے بات کرو گے کیونکہ اصل خوشی لڑکے بات کے نام ہوتے ہیں جائے خاندان کا نام ہوتا ہے لڑکی والوں کے نام پہ لڑکی کی ادائیگی کے لیے احساس ہوتا ہے ڈرتا رہنا ہوتا ہے پتا نہیں جانا ہے باپ کے تو لڑکی کے نہیں ماں کے نہیں چلے گی کے نہیں ہاں تو ڈرتا رہنا ہوتا ہے خوشی کا موقع تو ہوتا ہے, اس لیے ماں کا ماں بھی وہ ماں تاکہ تم تک کوئی بول نہ رہے پیچھے نماز پڑھ رہے کی کہتے ہو امام پتا ہے امام کے بارے کی سردار امام العادل ہم اگر امام کا ذکر آئے گا سردار بڑا کہ کوئی کام ہو گئے کہ کہیں سردار کو جائے گا یا سرداروں کا ہم جائے گا ہے سردار کو جہاں کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں پورا نظام کا وہاں نہ کہ ہی تھی آیا ہوئے آپ مسنون ہے شرائط میں سے نہیں ہے, یہ تو موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما کے تھے شرائط میں نہیں ہے, شرائط کوئی کی نہیں دو گواہوں کی موجودگی میں یا وہ قبول حق محض کی ادائیگی اور پوری زندگی کی ہے شرائط کوئی جو خطبہ شرط میں چلی ہے کہ نہ پڑھا لے کر قربانی ہوا اس موقع کی لسٹ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما کوئی اس کا نام کیا تھا شہزادے نے بھی پڑھا ہو وہاں حال ہو گیا ہم کے سامنے آ گیا وہ ادھر ہمیں وہ بھی رہا اور مطلب یہ تو کر گیا تو امام صاحب سے پڑھا ہے تو بھی پڑھا ہے تو بھی سیکھتے آ گیا تو کچھ نہیں پڑھا کہ کتنے بھی آ جائیں گے تو بھی ایسی کو یہ ہے کہ امام کا اس موقع بہت سی مردوں کا علاج بہت سی برائیوں کو ختم کر دیا, آپ مانا پرانے مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی کتابوں کے اندر سے اتاری ہے جب ہم ان کا حکم اور قال کی کام کریں وہ آئیں گے ان کے رسموں کو یہ توڑ پڑے ہوں گے ان کے دلوں میں اور ان کے دلوں میں اس سے آئیں گے اس دین کو آسان کریں گے اس معاملات کو آسانی بنا سکتے ہیں, اس کے لیے بیان ہم نے خود آپ کو بول رہا ہے میں اس کا دین سے بول رہا ہوں.
ਅਜੀਜ਼ਾਂ ਅਲੀ ਜੁਨੇਦ ਵਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰਹੋ ਕੋ ਉਸਕੇ ਵਾਲਦ ਔਰ ਵਕੀਲ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੇ ਆਪਕੇ ਨਿਕਾਹ ਮੇਂ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਮਾਂ ਚੌਥੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਰਹੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਦੋਸਤ ਕੇ ਬਲੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਮੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਬ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕੀਆ ਜੋ ਕਲਾਈ ਜਗਰਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੂਦ ਕੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।